आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। जमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने 378 दिन चले किसानों के सफल सत्याग्रह पर उनके विजय के उपलक्ष्य में जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और तीनों काले कानून की वापसी व अन्य मांगों पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने पर किसानों द्वारा आंदोलन को सस्पेंड करने और विजयों उपरांत घर वापसी पर किसानों को बधाइयां दी। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, एक वर्ष से ऊपर किसानों द्वारा सत्याग्रह किया गया और उन्हें सफलता मिली। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आज किसान तानाशाह सरकार को झुकाकर अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। इस विजय पर किसानों को हार्दिक बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक किसानों के लिए संघर्ष किया, संसद तक ट्रैक्टर मार्च किया था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी किसानों के आंदोलन के दौरान लगातार संघर्ष किया। आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कई बार आजमगढ़ में कांग्रेसियों ने सड़क पर जबरदस्त आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान आजमगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पुलिस द्वारा 12 घंटे हाउस अरेस्ट रखा गया था। उसके बावजूद सड़क पर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन 193 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस लाइन में रखा और उन्हें बाद में रिहा कर दिया। उसके बावजूद भी कांग्रेसी लगातार किसानों के समर्थन में खड़े रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, बीजेपी सरकार कभी अपने वादों पर खरा नहीं उतरती, यह भरोसे वाली सरकार नहीं रही है। इस सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने अपने बयानों में कहा, चुनाव के बाद किसानों को समझा बुझाकर कृषि बिल पुनः वापस लाया जाएगा, इसलिए किसानों को हमेशा सतर्क रहना होगा। इस मौके पर तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, सीमा भारती, प्रिंस सिंह राजपूत, मोहम्मद आमिर, कैप्टन अशोक वर्मा, श्याम सिंह, धर्मेंद्र यादव, अंजलि पांडे, किरण कुमारी, शीला भारती आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। लोग एक दूसरे को बधाई दिए हैं किसानों को। देखिए, 383 दिनों से भारत का किसान आंदोलनरत रहा सीमाओं पर, उसको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, चाहे कीले गाड़ी गई हों बॉर्डर पे, चाहे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया हो, पानी की बौछारी की गई हो, फिर भी वह महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सत्य अहिंसा के दम पर अपनी लड़ाई को लड़ता रहा और उनकी लड़ाई के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार का अहंकार टूट गया पूरी तरह से। सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए और बाकी शेष मामलों पर सहमति बन गई है और किसान अपने घरों को विजयी होकर के वापस जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय पर हम लोग एक जश्न का माहौल है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाए और किसानों के जीत पर उन्हें बधाई दिए और इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ा है। राहुल जी इस लड़ाई को लड़ने के लिए संसद तक ट्रैक्टर मार्च किए, संसद से लेकर सड़क तक राहुल जी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ा, अजय कुमार लल्लू जी ने इस लड़ाई को लड़ा, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जनपद में कई बार किसानों के मामले को लेकर के आंदोलनरत रहे। किसानों के आंदोलन के दौरान उन्हें 12 घंटे हाउस अरेस्ट रहना पड़ा और हमारे 193 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकल करके जबरदस्त आंदोलन किया था और उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रखा गया। 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। इस लड़ाई को हम लड़ते रहे हैं। हम किसानों के साथ यह वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, लड़ते रहेंगे और भविष्य में किसी भी मामले में हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।